नमस्कार, आप देख रहे हैं कि लाइव न्यूज चैनल अबरोल मेडिकल सेंटर ने सिविल अस्पताल गुरदासपुर में बनवाया वेंटिलेटर युक्त आईसीयू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एएमसी की टीम रहेगी आईसीयू के साथ संपर्क में। डीसी गुरदासपुर कुछ ऐसी ही मिसाल गुरदासपुर के अबरोल मेडिकल सेंटर के चेयरमैन डॉ अजय अबरोल पेश की है, जिन्होंने गुरदासपुर शहर में अपना बड़ा प्राइवेट अस्पताल होने के बावजूद सिविल अस्पताल गुरदासपुर को वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बनाकर दिया है, जिसे बुधवार को डीसी गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक, एसडीएम सकतर सिंह बल, सिविल सर्जन डॉ किशन चंद व एसएमओ डॉ चेतना की मौजूदगी में सिविल अस्पताल को सौंप दिया गया है। डीसी मोहम्मद इशफाक ने बताया कि अबरोल मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अजय अबरोल की ओर से वॉलंटियर के रूप से सिविल अस्पताल गुरदासपुर में 4 बेड का आईसीयू वार्ड बनवाया गया है, जिसमें 2 वेंटिलेटर सरकारी व 2 वेंटिलेटर डॉ अबरोल द्वारा अपने खर्च पर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आईसीयू जिले के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा होगा। अगर किसी भी सूरत में जिले के लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो उन्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आईसीयू को स्थापित करने में सिविल सर्जन डॉ किशन चंद व एसएमओ डॉ चेतना द्वारा उनका सहयोग किया गया। डीसी इशफाक ने बताया कि डॉ अबरोल द्वारा यहाँ आईसीयू का सारा खर्च उठाया गया है। वहीं उनकी आईसीयू की विशेषज्ञ टीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हर समय आईसीयू के साथ टच में रहेगी, ताकि सिविल अस्पताल के स्टाफ को जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता कर सके। के लाइव न्यूज चैनल से जगजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर तो गुरदासपुर शहर वास्ते एक बहुत ही खुशी की गल है कि साढ़े इत्थे जिला के हॉस्पिटल डॉक्टर अजय अबरोल द्वारा वॉलेंटियरली अपने वालों एक एफर्ट की गई है, जिद 4 बेड का आई सी यूनिट स्टैबलिश किया। ये 2 वेंटिलेटर लगे हुए ने, जोड़े कि असी लाए थे एम्पीलैंड फंड के, और 2 वेंटिलेटर जोड़े ने उन्होंने डॉक्टर ने आप लाए, जोड़े कि पोर्टेबल है और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर फैसिलिटी की है। और कला यही कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिता है, उन्होंने ये भी प्रोमिस किया है कि जो कल लोड पैंती है इन्होंने डॉक्टर भी इतने आके हेल्प करेंगे। सो एक बहुत अच्छा हो गया, साढ़े को 4 बेड का एक आई सी यूनिट बन गया है। अस तक कहना परमात्मा करे कोई एमरजेंसी आए यदि लोड़ पवे, पर जो लोड़ पै जाती है तो घट्टो घट गुरदासपुर को 4 बेड की बिल्कुल टर्शी केयर वाले जी फैसिलिटी इतने अवेलेबल हो गई है। सो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अजय अबरोल फॉर उन्होंने पूरी टीम का, सीएमओ साहब का, एसएमओ डॉक्टर चेतना का, जिन्होंने सारे रल के अच्छा बनाया है। और मैं यही आस करता कि यदि जी मैनेजमेंट है प्रॉपर होएगी और साढ़े जिले में इसका फायदा होगा। सर उस को बुला के पूछ, पिछले हफ्ते में देखता रहा, बड़ी डिटेल ट्रेनिंग दी है और हूँ इतने के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक भी लगा रहे हैं, जितने इन्होंने जो माहिर डॉक्टर हैं वो वीडियो के राही भी डॉक्टर इतने के जो अटेंडेंट्स होंगे इन्होंने गाइडेंस देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, ताकि पेशेंट्स की हेल्थ कोई माड़ा असर ना पवे। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है और बहुत ही वधिया काम हो गया। इस तरह कि अबरोल मेडिकल सेंटर वालों जिला प्रशासन नाल मिल के असी एक आईसीयू तैयार किया 4 बेड का, जिदा जड़ा कि एक कंप्लीट आईसीयू है, जिद हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जी कि किसी भी आईसीयू के होनी चाहिए है। और जड़ा इतों का स्टाफ है उन्हों असी हॉस्पिटल के बुला के साडे डॉक्टर हरिंदर सिंह ने जड़े एक्सपर्ट ने आईसीयू के, उन्होंने उन्होंने प्रॉपर ट्रेन किया है। और यह जो आईसीयू मैनेज किया जाएगा वो उस टीम वालों ही किया जाएगा, और ये जी सा टीम है वो पूरा सहयोग देगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू असी जड़ा यदि मैनेजमेंट है वो करांगे। तो साढ़े को 4 बैच आए थे 8-8 दे, और जड़ा कि मेरे ख्याल 2 हफ्ते पिछले जदों का शुरू होया लॉकडाउन उदों की असी ट्रेनिंग दे रहे हैं इन्होंने लोगों को।